इसको माफी नहीं मिलनी चाहिए। अभी कोर्ट में मामला है, परसों डिसीजन निर्णय आने वाला है इस मामले में, और तभी भी इन लोगों को न कि नियम कानून किसी चीज से मतलब नहीं है, और औरत की सम्मान की बात करते हैं। ऐसे लोगों को चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए। तेजस्वी को भी चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए जब अपने घर में एक औरत की रक्षा से नहीं करता, पर लंबा लंबा बात करने का काम करता है। बिल्कुल चंद्रिका जी, काफी लाज लिहाज में FIR नहीं किया, बात जब सलट गई थी तो हम लोगों ने नहीं किया, मगर अब तो करेंगे। अच्छा, कुछ वीडियो की बात आप कर रही है जो ऐश्वर्या राय? नहीं नहीं, वो तो डेट लेकर वो लोग वीडियो बनाते थे, वहाँ पर CCTV लगा दिया था इनके रूम के बाहर में, तो ये भी अपना कुछ कुछ गड़बड़ जो करती थी, किचन बंद कर दे, खाना नहीं देती थी, पानी नहीं देती थी, तो वो अपना वीडियो करते थे, वो कोई बात नहीं है। चलिए, वो खाना बंद कर देती थी एकाएक 10 बजे की, पहले की बात है, 2 महीना से मेरे घर से ही खाना आ रहा था। पहले भी बंद कर देती थी, रात को 10 बजे कहती थी अब खाना नहीं है, जाके अपने बाप के यहाँ, बगले में तो बाप है, टहलते हुए जाओ खा करके चले आओ। सर एविडेंस हमने कोर्ट में दिया करने की अपने परिवार में। राबड़ी देवी तो मर भी जाएंगी तो बेटे ही के साथ रहेंगी। लालू जी भी तो काफी आहत होते होंगे, उनका क्या रिएक्शन है? मुझे नहीं पता है, लालू सब एक हैं, एक ही थैली के चट्टे बट्टे हैं सारे, कोई किसी में अंतर नहीं, खाली शो के लिए है कि हम लोगों में झगड़ा रहता है, सब एक, सभी मामले में एक हैं। अच्छा, पिछली बार आप लोगों सब भ्रांत लोग हैं, हम लोग अच्छे लोग हैं, हम लोग जानते हैं। ये सब बात जब हो गई तो मैंने कहा, मैं दे रहा था तो थाना इंचार्ज बोले कि सर इसमें 490 को वारंट निकालना पड़ेगा, राबड़ी देवी को अरेस्ट करने की बात करनी होगी, सर छोड़ दिया। मैंने कहा कि छोड़ दिया, ये सब नहीं होना चाहिए किसी भी, मगर देखिए। अच्छा।